जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सुबह से लोग का फोन पर फोन आ रहा है और सब लोग बोल रहा है कि टुनटुन सिंह का उसके घर पर नियंत्रण नहीं रहा। अरे तंग आ चुके हैं हम सब लोग का बात सुन सुन के, बस बस अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। प्रणाम गंगा जी। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। किस बात का माफी? हम कृष्णा को यहां से ले जाकर जो गलती किए हैं उसका माफी। हम मानते हैं कि हमसे भूल हुआ है। कृष्णा का जरूरत हमारे घर से ज्यादा इस घर में है। ये तो बहुत खुशी का बात है। कृष्णा के वापस लौट आने पर हमको कौनो एतराज नहीं। हमारी बहू घर वापस आ जाना चाहती है, इससे अच्छा बात तो हो ही नहीं सकता। देखिए सरस्वती देवी, आप कृष्णा को इस घर में लेकर आए बहुत अच्छा बात है, पर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। पर हर सास ससुर का अपनी बहू को लेकर कुछ उम्मीद होता है, हमरा भी है। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि कृष्णा अब इस घर में सिर्फ एक बहू बनकर रहे। ना इधर उधर की छापामारी करे, ना IAS की पढ़ाई करे और ना ही किसी ऐसी प्रतियोगिता में भाग ले जिसकी वजह से इस घर की इज्जत समाज में उछले। कृष्णा ये सब के लिए राजी है तो हमको कोई एतराज नहीं है। बाबूजी आप चुप रहिए पिंटू सिंह, यह सिर्फ आपकी पत्नी का नहीं इस घर की बहू का भी मामला है। मालिक गुलदस्ता। अच्छा हमारी प्यारी कृष्णा, कैसे तुमको यकीन दिलाएं कि तुम्हारा नाच देखकर
हमको तुमसे कितना प्यार हो गया है। ये फूल भेज रहे हैं इस उम्मीद में कि हमरे दिल का बात तुमरे दिल तक पहुंच जाए। तुमरा भक्त, तुमरा प्रेमी। दस्ता चाहिए तुमको, ये चाहिए तुमको, ले जाओ इसको और बाहर ले जाके फेंक दो, जाओ। जी मालिक। कोयला खदानी प्रतियोगिता तो जीत गई, लेकिन वही जीत उसके बर्बादी का कारण बनेगी। देखो अब देखिएगा अभी गुलदस्ता कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद करता है। ए जी, ये पिड़किया कोयला खदान को गुलदस्ता कहाँ भेज रही है? अरे देहाती जी, गुलदस्ता भेज नहीं रही हैं, ये कोयला खदान का रास्ता में जो है ना कांटा बो रही हैं। पढ़ी लिख का रही है जी। देहाती जी, अब बचपन में अपने माँ बाप को बोल के थोड़ा पढ़ लिख ली होती ना, और ये साज सज्जा से जो है अपना ध्यान हटा दी होती, तो हमारा भी जिंदगी सुधर जाता। देखने ना कितनी लायक पढ़ी लिखी लड़की पैदा की है। अभी दिन आ गया है कि बाहर का लोग हमारा घर का बहू बेटी को इस तरह का तोहफा भेज रहा है, और वो भी असली संदेश के साथ। अब समझ में आ रहा है ना पिंटू सिंह जी आपको कि काहे हम उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मना कर रहे थे? अरे हमरे घर की बहू बेटी का कौनो इज्जत है कि नहीं? बाबूजी, लेकिन इसमें कृष्णा और पिंटू का क्या गलती है? सारा गलती इन्हीं का है मास्टर। अगर ये लोग ये घर का मान मर्यादा का ख्याल रख के वो नाच गाना नहीं किए होते तो आज ये सब तो नहीं देखना पड़ता ना। ये घर में पहले ही मुसीबत कम है का? क्या और मुसीबत मोल ले ले? अरे भाई, हमको इस घर में शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए। इसलिए हम ये फैसला किए हैं कि अगर कृष्णा ये घर में आएगी तो उसको अपना नौकरी, आईएएस का पढ़ाई और ये सब फिजूल हरकत छोड़ना पड़ेगा। अरे पूछे ना गंगा देवी अपना बहू से, उसको हमारा शर्त मंजूर है कि नहीं? पूछिए। बाबूजी, हम हमेशा कोशिश किए हैं कि इस घर का मान मर्यादा का ध्यान रखें। अफसर का ड्यूटी और बहू का जिम्मेदारियों के बीच पूरा तरह से संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी किए हैं। और जहां तक बात आईएएस का पढ़ाई का है तो बाबूजी, हमारा नहीं, ये हमारे पापा का आखिरी इच्छा था। और अंतिम समय हम अपने पापा को वचन दिए थे कि हम उनका सपना पूछा। तुमको अपना पिता को दिया हुआ वचन का चिंता है? क्या हम लोग तुम्हारे माता पिता नहीं है? सरगम के जाने के बाद ये घर को भी एक बहू का जरूरत था ना, और तुमने कभी
कभी सोनू की मां की कमी को पूरा करने के बारे में नहीं सोचा। तुम भी तो उसकी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।